रात के समय जब कोई यात्री जंगल में जाता है तो भटक जाता है। जैसे ही वह जंगल में अंदर चला गया, एक छोटा सा गांव दिखाई दिया और उसने वहां एक रात बिताने के बाद बाकी रास्ता खोजने का फैसला किया। गांव बहुत शांत था और कोई भी उसे देखने या उसका अभिवादन करने नहीं आया। वह एक पुराने घर में दाखिल हुआ और घर के किनारों पर केवल हल्की रोशनी थी। अंदर जाने पर उसे दीपों से सजा हुआ एक दीपस्तंभ दिखाई दिया। उसने कमरे के कोने में पुरानी कुर्सी पर बैठकर आराम करने का फैसला किया। उसी समय एक आवाज सुनाई दी, धीमी धीमी। वह सुनता था और कभी कभी महसूस करता था कि उसकी उंगलियां हवा को हल्के से थपथपा रही है। वह जल्दी से उठा और देखा कि घर की निचली मंजिल पर एक काला शरीर घूम रहा है। उसकी आंखों को एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर हवा का प्रवाह दोहराया। दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हंसता हुआ और डरा हुआ आधा नीचे चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। वह उस कमरे में अकेली थी। आप यहां से बाहर नहीं जा सकते, उसने अपनी आवाज में निर्ममता से कहा। जब आप यहां तक आ गए हैं तो ये हमारी कहानी है। महिला की आंखें एक अजीब और डरावनी रोशनी से चमक उठी। उसके चारों ओर एक काला घेरा बन गया था। एक पल के लिए उसे पूरा गांव एक सपने जैसा लग रहा था, एक अमिट सपना। वहां से प्रत्येक मोड़ ने उसे पीछे खींच लिया और उसे गहराई तक पकड़ लिया। वह उस बंजर गांव की ओर जो भी रास्ता लेता, उसे वही घर, वही रास्ता, वही डर का सामना करना पड़ता। उनकी यात्रा अब बेवजह दुखद हो गई है।